मेरु प्यारु पहाड़ ने तौन खोया ली, मेरु प्यारु पहाड़ ने तौन खोया ली, रयो बचो निर्भगी दारू न दोयाली, रयो सयो निर्भगी दारू न दोयाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज बात होगी उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत की जो इस वक्त युवाओं के, लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन है। बात होगी एक ऐसे गायक की जो इस वक्त उत्तराखंड की आवाज बन गया है। हम बात कर रहे हैं रोहित चौहान की, वो चेहरा जो इस वक्त आपके सामने होगा और उनसे होगी आज हमारी खास बातचीत। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। बिल्कुल रोहित जी, उत्तराखंड का जिक्र होता है तो आजकल रोहित चौहान का नाम खूब सुर्खियों में है। आपका एक नया गाना भी आया है, नया गीत भी आया है और वो भी काफी खूब इस वक्त जो है लोगों के जुबान पर है, मायादार। जी, मैं रोहित जी आपसे जानना चाह रहा था खासतौर पर, क्योंकि हमने उत्तराखंड के संदर्भ में इस कार्यक्रम को रखा है और आप उत्तराखंड के युवाओं की इस वक्त उम्मीद भी हैं। और जो कुछ उत्तराखंड में इस वक्त हमने देखा कि जैसे युवाओं के सपनों के साथ एक खिलवाड़ सा हो रहा है, और अभी दो दिन पहले हमारी नेगी जी से बात हो रही थी, नेगी दास से, तो उन्होंने भी बकायदा एक गीत लिखा इस हालात को लेकर जो भर्ती ये सब बातें हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये सपनों के उत्तराखंड का जिक्र किया जाता था, क्या वो सपनों का उत्तराखंड बन पाया लगता है आपको रोहित जी? कई महीनों में तो नहीं बन पाया और कई महीनों में बन भी पाया होगा, क्योंकि मैं बाहर की बातें तो ज्यादा करूंगा नहीं, बट हाँ अपने म्यूजिक से रिलेटेड बातें जी करूंगा कि म्यूजिक नहीं, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था और युवा आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा था। जी बिल्कुल। फिलहाल आप इस हालात को लेकर कोई आपके नजर में कोई गीत है जो आपने कभी गुनगुनाया हो? इस हालात के एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे कि है, बट हाँ मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक गीत बनाया था, मीचो नेता जी था उसका टाइटल। जी हाँ, तो वो भी बस उन्हीं चीजों पे ही था, जो चीजें सरकारी चीजें सही नहीं हो रही और जो जनता के हित में नहीं है, उन सब चीजों के से रिलेटेड ही था वो गाना भी। जी अगर आप गुनगुनाकर सुनाना चाहे तो फिर मैं मायादार पर भी आऊंगा। जी बिल्कुल, मैं दो लाइन सुनाता हूँ उस गाने की। जी, मेरु प्यारु पहाड़ ने तौन खोया ली, मेरु प्यारु पहाड़ ने तौन खोया ली, रयो बचो निर्भगी दारू न दोयाली, रयो सयो निर्भगी दारू न दोयाली। तो ये गीत था, उसकी दो लाइन ये थी। जी रोहित जी, एक बात, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो कोई ना कोई तो आइडियल होता है, और अधिकतर आइडियल तो माँ ही होती है। बिल्कुल। और शायद रोहित जी की भी आइडियल उनकी माता जी ही हैं। माता जी ही हैं और वो मेरी नहीं, बहुत लोगों की आइडल हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है हमेशा से जी, और उसके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था जी, तो उसके बाद से जो उन्होंने संभाला, और वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, तो हमारी तो बचपन से ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी म्यूजिक से ही रिलेटेड थी, तो उसके बाद हमने भी उनको ही फॉलो करते हुए आज जो भी लोग प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल सीखा है, उन्हीं से सीख रहे हैं। आपका फेवरेट कौन रहा उत्तराखंड के लिहाज से? आपका फेवरेट गायक कौन है उत्तराखंड में? गायक तो जैसे मैंने बताया शुरुआत मम्मी से करी, तो वो हमेशा ही फेवरेट रही। और देखा जाए तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, प्रीतम भड़कौण जी हो गए, क्योंकि इन्हीं सबको सुन के बचपन से हमने गाने इन्हीं के सुने और खुद ही गुनगुनाए, उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई।
इंस्पिरेशन तो मदर से ही मिली जी, इंस्पिरेशन मदर से ही मिली आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बचपन से जो चीज देखी है हमने आंखों के सामने और वही चीज देखी है जो हम खुद भी बनना चाहते थे जी, तो बिल्कुल इंस्पिरेशन वही रहेंगी। अच्छा रोहित जी, क्योंकि लोग डिमांड भी करते हैं जहां आप जाते हैं, तो आजकल मायादार खूब चल रहा है, तो जरा अगर दो लाइन उसकी हो जाए तो। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ दो लाइन आपको। देखी जो मुखड़ी तेरी तो मुल मुल थामे कुड़ी तो बाटो मा भटकी सुनी पे जो कुछ मनाट घबरा दो मन कन को बोलो मायादार प्यारी मेरी बन मायादार बन मेरी तू मायादार बन मायादार बन मेरी तू मायादार बन। थैंक यू। बहुत खूब रोहित जी। रोहित जी क्योंकि एक के बाद एक कई आपके हमने गाने देखे सुने और सभी एक से बढ़कर एक बेहद उम्दा, अब युवाओं के भीतर एक जिज्ञासा होती है कि रोहित चौहान अब कौन सा गाना लेकर आएंगे। ये मैं क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि उत्तराखंड का जन्म जिस वक्त हुआ और जिस तरह से हुआ उसमें कहते हैं कि आंदोलनकारियों का खून है और एक शहादत पर लिखा हुआ राज्य है, जिस तरह से चाहे वो खटीमा गोलीकांड हो मसूरी गोलीकांड हो, हमारी माताओं बहनों ने इतना त्याग तपस्या की, तो आज जो एक पीड़ा होती है युवाओं के मन में कि हमने जो सोचा था वो जल जंगल जमीन नहीं बच पाया, जो हमने सोचा था कि एक अलग राज्य बनेगा तो उत्तराखंड के युवाओं को जो पलायन रुकना चाहिए कभी इस दिशा में, क्योंकि अभी नरेंद्र सिंह नेगी जी से हमारी जो बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर जब सोचता हूं तो इसी पीड़ा को लेकर सोचता हूं और फिर गीत अपने आप बन जाते हैं, तो कभी आप क्योंकि अब आप आने वाली वो पीढ़ी हैं जिसमें एक उम्मीद देखी जाती है, तो क्या आप भी इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं? करेंगे, हमने भी पहले काफी कुछ गीत ऐसे गाए थे जी, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक पटवारी गाना भी गाया था जी, कि किस तरह पटवारी की बढ़ती निकलती है और एंड में वो आते आते तक फिर कैंसिल हो जाती है, कई चीजें हो जाती है, तो उस पर भी हमने एक गीत बनाया था कुछ टाइम पहले जो भी लोगों ने बहुत पसंद करा था जी। वहाँ कोशिश है आगे भी कि ऐसे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम गीत बनाए। तो पटवारी की दो लाइनें हो जाए सर। हाँ मैं सुनाता हूँ जी। वो थोड़ा सा बिल्कुल सीरियस गाना नहीं था, एक फन लविंग सॉन्ग था। हाँ। नहीं नहीं मैं जानता हूँ वो, जैसे हम लोग सुनते थे नौ छमी नारायणा वो ठीक। हाँ। हाँ। वैसा तो नहीं होगा ना पटवारी जी? जी जी वैसा ही गीत था और लोगों ने काफी उसको पसंद किया जी, उस गीत को जी। रोहित जी अच्छा उसकी दो लाइन प्लीज जी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ ना ना बस रह जा कुंवारी, समोगा की भरती है तेरा गो ओल बणी की पटवारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ ना ना बस रह जा कुंवारी, समोगा की भरती है तेरा गो ओल बणी की पटवारी। ये थी उसकी कुछ लाइनें। अच्छा रोहित जी, क्योंकि युवा इस वक्त आपको फॉलो भी करते हैं और खूब देखते भी हैं, और मेरे एक सहयोगी हैं वो भी आपके फॉलोवर हैं, और उन्होंने अभी मुझसे एक फरमाइश की है और उन्होंने बकायदा मुझे व्हाट्सअप करके लिख के भेजा, बोला कि सर पूछिएगा रोहित जी से कि बचपन में आपने एक गाना गाया था घोर छुट्टी गए घर बार छुट्टी गए, और ये पलायन के ऊपर बेरोजगार युवाओं के ऊपर पलायन के ऊपर था ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने 2006 के आसपास गाया था ये गाना जी बचपन में, कि कैसे हमारे उत्तराखंड के मतलब बहुत छोटी उम्र में ही शहरों में चले जाते हैं कामकाज और इन सब चीजों के लिए। वो क्योंकि उत्तराखंड में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बिल्कुल राइट, वो तो एक पीड़ा है वो पलायन की जो आज तक जख्म भर नहीं पाया और वो नासूर होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने बात। तो रोहित जी वो उनकी फरमाइश है आपके फॉलोअर की और मेरे सहयोगी भी हैं, तो मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये तो हो ही जाए। बचपन का गीत है आपका। आता उसकी दो लाइन जी।
गांव छुटी गे घर बार छुटी गे परदेस जाना मां रुहिया भरी गे पहाड़ छुटी गे पराण जुड़ी गे माज का आंसू देखी मेरु दिल टूटी गे हो हो कख होली दीदी भूली कख भेजी भूला हो दी रोटी का बाना माजी छुट्टी गोय से कोला हो स्कूल छुट्टी गे मेरु दिल टूटी गे परदेस जाना माँ मेरु हिया भरी गे। थैंक यू। बहुत खूब रोहित जी, बहुत शानदार। रोहित जी वैसे तो उत्तराखंड जो है वो अपने आप में एक स्वर्ग है। स्वर्ग कहते हैं कि उत्तराखंड वो जन्नत है जो जाता है कभी भूल नहीं पाता, और कई ऐसे भी रहे जो गए और हमेशा के उत्तराखंड के हो गए। तो कोई ऐसी एक जगह है उत्तराखंड की जहां पर आपको, वैसे तो समूचा उत्तराखंड ही अपने आप में स्वर्ग है, कोई दिल से सुकून ऐसी जगह है कि जहां मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं मैं यहां से कभी लौट के ना जाऊं? ऐसी एक जगह बताना तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड में तो आप जहाँ चले जाओ, आप अगर हम वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ कैमरा लगा दो वहाँ फ्रेम बन जाता है। बिल्कुल, उत्तराखंड इतना खूबसूरत है। तो ऐसी एक जगह बताना तो बड़ी मुश्किल होगी, बट उत्तराखंड जो लोग नॉन उत्तराखंडी लोग आते हैं उन सबको पता है कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, और हम सबको तो बचपन से ही पता है, और आगे भी लोग इस चीज का आनंद लें और खूब। अच्छा रोहित जी, एक क्योंकि ये बहुत एक लंबा संघर्ष हो गया है ये, खास तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखें, चाहे लोग गीत लोक गायक के रूप में नेगी दा ने खूब नाम कमाया और उत्तराखंड को वो पहचान भी दिलाई जो उत्तराखंड को लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, उत्तराखंड के महत्व को नहीं जानते थे। नेगी दा ने एक एक इमेज क्रिएट की पूरे देश के भीतर कि ये उत्तराखंड है, और उसमें से कल्पना जी भी एक हैं और अब प्रीतम जी भी हैं। लेकिन एक जो पहचान खास तौर पर जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड ये तमाम, मैं उन किसी वुड के चक्कर में नहीं जा रहा, लेकिन उत्तराखंड के भीतर जितनी एक आप जैसे युवा लड़के हैं जो आगे आइडियल हैं लोगों के लिए, तो उस दिशा में कोई कदम बढ़ा रहे हैं आप लोग सारे मिलके कि नहीं अब कम से कम बहुत हुआ? कि हम लोग म्यूजिक से जुड़े हैं तो हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हम म्यूजिकली कितना उत्तराखंड को आगे ले जा पाए, कि और जगह भी उत्तराखंड के गीत संगीत को सुना जाए, क्योंकि मुझे लगता है गीत संगीत एक ऐसी चीज है जो हमें कनेक्ट करती है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी जगह से हो, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत अलग स्टेट के हैं और जो हमें समझ भी नहीं आते बट हम इंजॉय करते हैं। तो बस हमारी कोशिश भी वही रहती है कि म्यूजिकली हम कितना अपने उत्तराखंड को आगे ले जा पाए, तो कोशिश जारी है। इस संघर्ष में पूरा उत्तराखंड आपके साथ है रोहित जी। अच्छा रोहित जी, चलिए आपको जब भी आप जाते हैं इस तरह के तमाम शोज करते हैं तो आपसे हर कोई अपनी अपनी डिमांड करता है कि नहीं ये वाला रोहित जी ये वाला गा दीजिए, नहीं रोहित जी ये वाला गा दीजिए। रोहित जी का कोई अपना भी तो फेवरेट होगा कि नहीं? मेरे तो सभी गाने मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे ही नहीं बल्कि जितने भी उत्तराखंड के गाने अच्छे आते हैं मैं सभी को सुनता हूँ, और सभी लोगों की गायकी जो है जो गाने हैं वो सुनता हूँ और सबको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा मुझे तो किसी ने बताया रोहित जी, मुझे किसी ने बताया कि आप प्रीतम भड़तवाल जी की तरह भी गा लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी सुना नहीं, मुझे किसी ने बताया तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, ऐसा है क्या? एक्चुअली क्या है कि मैंने जब बचपन के बाद जब गाने सुनने शुरू करे थे तो सबसे पहले उन्हीं के गाने बहुत सुने थे। अच्छा,
और जब मैं स्टेज शो करना शुरू करा था मैंने 7-8 साल की उम्र में, तो मैं उन्हीं के ही गाने गाता था स्टेज पे। तो एक हाँ, एक गाना प्रीतम जी का आपकी आवाज में और अंदाज उन्हीं का हुई। कोशिश करता हूँ जी, क्योंकि सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है गाने में, तो जो मैं गाने गाता था उनके वो सुनाता हूँ आपको जी। अरे हिमेली का डांडो उरंदु होलू माल गड़सू म्या, अरे कुमाऊ कड़े अरे रंदी छही बांध सरुली को मैया, आ सरुली मेरु जिया लगी गे तेरी रोतेली मुपुड़ी माँ, आहा अकबक सी रह गयो पहुंची तेरा कुमोगढ़ माँ। क्या बात रोहित जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपकी आवाज सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए हैं, और जितना आप गुनगुनाते हैं उतना हम मदहोश हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बॉलीवुड में कोई आपका कोई फेवरेट है? तो मेरे फेवरेट हैं बिल्कुल, उनका नाम है अरिजीत सिंह जी, और मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे लगता है कि वो कई दशकों में ऐसे सिंगर आते हैं जी, उनमें से एक है वो, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा गायक है। उनका कौन सा गीत, उनका कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है आपको? उनका एक गीत है ही नहीं सर, उनका जो गीत आता है वो अच्छा ही होता है, मेरे हिसाब से उनके जो भी गीत आए हैं वो अच्छे ही आए हैं, जो अक्सर लबों पर किसी लोग लबों पर आ ही जाता है गुनगुनाने के लिए। बहुत से गाने हैं सर, जैसे एक गाना तो बताना मुश्किल होगा। एक गीत हो जाए तो, क्योंकि मुझे गाना तो नहीं आता, हमारा तो यही है यहाँ है, और गीत तो नहीं, हम गुनगुना जरूर सकते हैं आपके साथ। हाँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है? बढ़िया है, अच्छी बात है गुनगुनाना। देखो म्यूजिक तो सबके अंदर होता है, बस कोई उसे प्रोफेशनली चुन लेता है तो थोड़ी मेहनत करता नहीं, है। कुछ 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 बाथरूम सिंगर भी होते हैं सर। नहीं, प्लीज सुनाता, अभी केसरिया गाना आया हमारा जी, उसकी दो लाइन सुना। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी काली तिजोरियां, काजल की सियाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। क्या बात है जी, बहुत शानदार, बहुत उम्दा। रोहित जी, मैं चाहता हूं आपसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, मैं क्योंकि आपसे आप गीत गाने को नहीं बोलूंगा, आप कहेंगे कि ये बार बार हर बात पे जिद कर रहा है, ये वाला गीत गा दो, वो वाला गीत गा दो, लेकिन चलते चलते एक मेरी पर्सनली आपसे एक रिक्वेस्ट है, और क्योंकि आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक आइडियल हैं, तो मैं चाहूँगा जो इस वक्त की जो परिस्थितियाँ हालात हैं, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, आप एक मैसेज अगर उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहें तो। तो देखिए ये है कि जो हालात हैं वो एकदम से मैं या कोई भी ठीक नहीं कर सकता, बट हाँ कि जो गवर्नमेंट है उनको ज़रूर उस चीज़ को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा युवा जो है उत्तराखंड का अगर परेशान है तो क्यों है, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ वो चीज़ ध्यान में रखी जाए, और जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं
उनके लिए वो चीजें जरूर लाई जाए, क्योंकि युवाओं से ही हर जगह की पहचान है। बिल्कुल, बस यही रिक्वेस्ट है, और यही युवाओं से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उम्मीद ना छोड़े, और जरूर सब ठीक होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल रोहित जी, थैंक यू सो मच, आपने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप अभी भी लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, जहन में हैं, और आने वाले वक्त में और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत आप गुनगुनाएंगे। थैंक यू सो मच। वो थैंक यू, बस हम इतना कहेंगे कि कभी अलविदा ना कहना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू सो मच। So thank you. तो ये थे हमारे साथ रोहित जी, जिन्होंने अपनी बात गुनगुनाते हुए अपने ही अंदाज से रखी, और यही उनकी पहचान भी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उद्योग। मेरे प्यार पहाड़ ने तौन खोया ली, मेरे प्यार पहाड़ ने तौन खोया ली, रयो बचो निर्भगी दारू ने दोया ली, रायो सायो निर्वगी दारुण दयाली।